मास गेनर कब किसे और क्यों लेना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सप्लीमेंट फिलहाल फैमिली के सिर्फ चैनल नहीं परिवार है हमारा। तो दोस्तों एक क्वेश्चन जो आपका बहुत आता है और अक्सर मैं नोटिस भी कर रहा हूं कि कुछ लोग गलतियां भी कर रहे हैं, ये वीडियो आज है मास गेनर को लेकर। मास गेनर कब किसे और क्यों लेना चाहिए आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। मैं अक्सर ये देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि मास गेनर उन्हें लेना है या नहीं लेना है, और लेना है तो कब लेना है और कब तक लेना है, मतलब मास गेनर को लेकर सारी कंफ्यूजन आज इस वीडियो में दूर होने वाली है। मैंने अभी कुछ नोटिस किया, जैसे मैं आउटलेट विजिट करता हूं, बहुत सारे भाई वहां आते हैं जिनका वेट बहुत ठीक होता है, मतलब उनका वेट होता है 65, 70, 75, 80 और वो मास गेनर लेने के लिए आते हैं। या काफी बार जो है बहुत सारे भाई हैं जो हमारे ऑनलाइन मास गेनर मंगवा लेते हैं जबकि उनका वेट ठीक होता है। तो आज इस वीडियो में आपको पता लगने वाला है कि आपको मास गेनर कब लेना है, कब तक लेना है और क्यों लेना है। सबसे पहले हम कवर करेंगे कि भैया मास गेनर होता क्या है, क्या मास गेनर खराब चीज है या मास गेनर हमेशा की चीज है, इस वीडियो में पता लग जाएगा। मास गेनर एक तरीके की कंप्लीट मील है। मास गेनर जैसे यहां पर अभी इंडिया का नंबर वन मास गेनर में रखा हुआ है जो कि स्टारएक्स न्यूट्रिशन पावर मास गेनर, ये एक कंप्लीट मील है। कंप्लीट मील का मतलब क्या होता है? कंप्लीट मील का मतलब होता है कि आपको उसके अंदर मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल जाए, मतलब छोटे बड़े सारे आपको जो है न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर मिल जाए। जैसे अगर आप पढ़ेंगे तो मास गेनर के अंदर आपको क्या क्या मिल रहा है, मास गेनर के अंदर आपको प्रोटीन मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहा है, आपको यहां पर फैट मिल रहा है, फाइबर मिल रहे हैं, यहां पर आपको सारे विटामिन मिनरल्स, लिस्ट आपकी स्क्रीन पर भी आ रही है, मतलब विटामिन सी, B3, B6, विटामिन ए, फोलिक एसिड, यहां पर कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, देख रहे हैं सारे विटामिन मिनरल्स, प्रोटीन, फैट और कार्ब्स, मतलब एक कंप्लीट मील है ये, थाली भरा हुआ खाना है ये जो कि आपके शरीर को भरेगा। ठीक है, मास गेनर सिंपली एक कंप्लीट थाली भरा हुआ खाना। अच्छा, इसके अंदर जो मेजर पोर्शन होता है भाई, मास गेनर के जितने भी जो इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए, जो न्यूट्रिएंट्स मैंने आपको बताए, उसके अंदर जो मेजर पोर्शन होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, समझ रहे हैं आप, कार्बोहाइड्रेट्स में ज्यादा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि मास गेनर उसे लेना है जिसका शरीर है दुबला पतला, जिसको खाया पिया नहीं लगता है, बिल्कुल सूखा हड्डियों का सा ढांचा शरीर हुआ पड़ा है, जो अपने शरीर को भरना चाह रहा है, जो अपना वजन बढ़ाना चाह रहा है, उसके लिए मास गेनर परफेक्ट चॉइस है। ध्यान रखेंगे आप, फॉर एग्जाम्पल आपकी हाइट है 5'8", आपका 5'8" के हिसाब से आपका आइडियल बॉडी वेट होना चाहिए लगभग 70 से 75 किलो, और आपका वेट है 40, 45, 50, 55, तो आपके लिए मास गेनर ही बेस्ट चॉइस है। अगर आप अपने आइडियल वेट से कम हैं, और कम का मतलब कम से कम 10-12 किलो कम है, ऐसा नहीं कि आपका आइडियल वेट होना चाहिए 70, आपका है 68, 2 किलो कम है और आपने मास गेनर ले लिया, नहीं, अपने आइडियल वेट से अगर आप 10-12 किलो कम हैं, इन शॉर्ट 40, 45, 50, 52 किलो का अगर आपका शरीर है, तो आपको मास गेनर लेना है। यह आपको कैलोरी सरप्लस पे रखेगा, जैसा कि मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है ज्यादा होते हैं मास गेनर के अंदर, क्योंकि जिसका दुबला पतला शरीर होता है उसको शरीर भरने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत नीड होती है, और इसके अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं जो कि आपके शरीर को भरने में हेल्प करेंगे, आपके शरीर में एनर्जी देंगे, आप मतलब पूरे दिन जो है ना मतलब चुस्त रहेंगे। तो मास गेनर आपको कैलोरी सरप्लस पे रखेगा। अब ये कैलोरी सरप्लस का मतलब है कि जितनी कैलोरीज की आपकी बॉडी को नीड है आप उससे ज्यादा ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी को 2000 कैलोरीज की नीड है, अब आपको अगर वजन बढ़ाना है तो आपको 2000 प्लस कैलोरीज लेनी है। आप जितनी ज्यादा 2000 से ज्यादा आप लेंगे, आपका उतना ही तेजी से उतना ही ज्यादा वजन बढ़ेगा। तो मास गेनर क्या करता है कि आपको एक मील में ही, मतलब जिस हिसाब से मैं मास गेनर को खाने का सजेशन बताता हूं, आप जो साइड में वीडियो चल रही है आप देख भी सकते हैं कि मास गेनर कैसे खाना होता है, तो उस हिसाब से आपको एक बार में 600-700 कैलोरीज मिल जाती हैं। तो आप इसको दिन में दो बार लेंगे तो मतलब ऑलमोस्ट लगा लो कि 1200 से 1400 कैलोरीज तो आपको गेनर से मिलगी, बाकी आप जो है 1000-1200 कैलोरीज अपनी डाइट से कवर करेंगे, तो आप लगा लो कि आप जो है 2500 प्लस कैलोरीज ले रहे हैं। यह मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, सबकी कैलोरीज अलग अलग होती है,
पर वैसे जो आइडियल कैलोरीज नीड जो है WHO की रिकमेंडेशन है जिनकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उनकी 2000 मतलब लगभग होनी चाहिए। तो आप जितनी ज्यादा लेंगे उतनी ही ज्यादा आपका वजन बढ़ेगा। तो ये आपको कैलोरी सरप्लस पे रखेगा, मतलब दो बार इसको दिन में आप ले रहे हैं इस हिसाब से जिस हिसाब से मैं वीडियो में लेना बता रहा हूं, तो आपको 1200 से 1400 कैलोरीज मिल जाती हैं और बाकी आप डाइट से भी कवर करेंगे, तो आप कैलोरी सरप्लस पे रहेंगे और आपका वजन बढ़ेगा। अच्छा, अब मास गेनर लेना कब तक है? देखो, मास गेनर आपको तभी तक लेना है जब तक आप अपने वजन को बढ़ाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपका वजन है 50 किलो, आपने पावर मास गेनर लिया बाल्टा, ये आपका वजन कर देगा 60 प्लस, मतलब 10-12 किलो आपका वजन बढ़ा देगा ये। उसके बाद फिर मास गेनर नहीं लेना, समझे इस चीज को। मास गेनर रिपीट करने की चीज नहीं है। बहुत बार मैं देखता हूं कि मास गेनर खाए जा रहे हैं। मैं सभी भाइयों को समझाता भी हूं कि मास गेनर अच्छी चीज है पर रिपीट नहीं करना इसको प्रोटीन की तरह। प्रोटीन को तो आप कोई दिक्कत नहीं है, मैं कह रहा हूं सालों साल खाओ, कोई परेशानी नहीं है, पर मास गेनर को आप एक या दो बार खाइए, उसके बाद में मास गेनर नहीं खाना, इसको छोड़ देना है। और फिर से, जिसका बॉडी वेट ठीक है, जिसको वजन नहीं बढ़ाना या जो बॉडी में कटिंग डालना चाहता है, उसको मास गेनर नहीं लेना। और अक्सर मैं एक चीज और देखता हूं कि बॉडी वेट ठीक है पर स्टिल बॉडी गोल है बल्क होने का, फिर मास गेनर खरीद लेते। नहीं भाई, मास गेनर नहीं लो आप, क्योंकि अगर आपका बॉडी वेट ठीक है और आप मास गेनर ले रहे हैं तो आपकी बॉडी में फैट ही देगा। और जिसका बॉडी वेट कम है 40-45-50, अब समझ लो भाई शरीर बिल्कुल सूखा हुआ सा शरीर है, तो उसकी बॉडी में भरने के लिए स्टार्टिंग में मास गेनर चाहिए, नो डाउट। ये जो है वजन बढ़ाएगा और फैट भी देगा, पर भाई बिल्कुल सूखा हुआ शरीर है तो भाई फैट आए, कुछ आए, मास आए, वजन बढ़े, बस किसी तरह के शरीर भरे, एक आइडियल बॉडी वेट पे आए। तो स्टार्टिंग में मास गेनर लें दुबले पतले। कब तक लें? जब तक वजन ना बढ़ जाए, और वजन बढ़ते इसको टाटा बाय बाय बोल लें। और कौन सा मास गेनर लें? सिर्फ पावर मास गेनर ही आपकी चॉइस होनी चाहिए, क्योंकि ये इंडिया का नंबर वन मास गेनर बन चुका है। अगर आप 3 किलो की पैकिंग लेते हैं जो कि 3500 रुपए की है, ये आपका 4 से 6 किलो वजन बढ़ा देगी मिनिमम। अगर आप 6 किलो की पैकिंग लेते हैं जो कि आपकी 5600 रुपए की है, तो ये आपका 8 से 10 किलो वजन बढ़ा देगा मिनिमम। बाकी डाइट पर डिपेंड करता है, जितनी अच्छी डाइट लेंगे, सप्लीमेंट से तब से आपको डाइट प्लान मिलेगा, जितनी अच्छी डाइट लेंगे उतने अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो मास गेनर लीजिए, और मुझे लगता है कि आपको सारी कंफ्यूजन दूर होगी होंगी। और बहुत सारे हमारे भाई हैं जो ये कहते हैं कि भैया वे प्रोटीन ही लेना चाहिए, मास गेनर नहीं लेना चाहिए, तो भाई ऐसा भी नहीं है। जो दुबले पतले हैं अगर वो वे प्रोटीन लेंगे तो उनको रिजल्ट नहीं आएंगे। बेशक 5-10 डिब्बे खा लो आप प्रोटीन के, प्रोटीन से वजन नहीं बढ़ता है। जो दुबले पतले हैं, जिसका वजन 40 किलो, उसको रिजल्ट नहीं आएगा प्रोटीन से, और आएगा तो उसको दिखेगा नहीं, तो इसलिए उसका मन हो जाएगा निराश और वो कह देगा भैया इनसे तो कोई रिजल्ट आता नहीं है। वे प्रोटीन बोले जिसका वजन ठीक है, जिसको मसल बिल्डिंग करनी है, पर जिसका वजन कम है वो पहले स्टार्टिंग में मास गेनर ले फिर वे प्रोटीन ले, समझ गए? तो ऑर्डर करो पावर मास गेनर, 3500 रुपए का 3 किलो, 5600 का 6 किलो, और बिना किसी नुकसान के आपका वजन बढ़ेगा पावर मास गेनर से। जो वजन बढ़ेगा वो टिकेगा, नुकसान कुछ नहीं है, या मैं रिपीट करता रहता हूं। तो पावर मास गेनर ऑर्डर करो। ऑर्डर करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर आया, कॉल करो, व्हाट्सएप करो, supplementsla.com विजिट करो, वहां पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कैश ऑन डिलीवरी मिलेगी, या फिर आप सप्लीमेंट्सला के आउटलेट विजिट करो। सप्लीमेंट्सला के आउटलेट सब हर शहर में ओपन हो रहे हैं, तो आप नजदीकी जहां भी आउटलेट है वहां पर जाइए। जैसे आप जा सकते हैं सप्लीमेंट्सला पलवल हरियाणा, आप जा सकते हैं सप्लीमेंट्सला आगरा, आप जा सकते हैं सप्लीमेंट्सला ग्वालियर, आप जा सकते हैं सप्लीमेंट्सला कानपुर, आप जा सकते हैं सप्लीमेंट्सला लखनऊ, आप जा सकते हैं सप्लीमेंट्सला मथुरा, आप जा सकते हैं सप्लीमेंट्सला अलीगढ़, आप जा सकते हैं सप्लीमेंट्सला मेरठ, सप्लीमेंट्सला गाजियाबाद, सप्लीमेंट्सला दिल्ली रोहिणी, सप्लीमेंट्सला दिल्ली कालका जी, सप्लीमेंट्सला गुरुग्राम हरियाणा, सप्लीमेंट्सला लुधियाना पंजाब, सप्लीमेंट्सला सहारनपुर उत्तर प्रदेश, सप्लीमेंट्सला जयपुर राजस्थान, यहां पर आउटलेट्स ओपन हो गए हैं। जल्दी और आउटलेट्स ओपन होंगे। कहां पर, कब, कौन सा आउटलेट ओपन होगा, इसके लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। और बहुत सारे भाई होते हैं भैया आपसे मिलकर ही हम सप्लीमेंट लेंगे, तो भाई इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, मैं किस दिन किस आउटलेट पर रहता हूं आपको पता लग जाएगा। तो ऑर्डर करो पावर मास गेनर। स्टिल कुछ कंफ्यूजन है तो कमेंट कर सकते हो, मैं फिर वीडियो बना दूंगा आपके लिए। यार नमस्कार।